हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं ठीक हूँ। शाम का टाइम है और मैं चली गई थी मार्केट और थोड़ी सी सब्जियाँ लेके आई हूँ वहाँ से। बहुत दिनों से करेले बनाने और खाने का मन हो रहा था तो वो लेके आई हूँ। मुझे करेले काफ़ी पसंद हैं, पर ये सब काम करने से पहले मैंने अपने लिए एक कप चाय बनाई है और थोड़ी सी ये बॉयल हो जाएगी तो पहले एक बार शांति से बैठकर मैं चाय पीना चाहूँगी। ये थी कि चाय जल्दी जल्दी चढ़ाई तो थोड़ी सी ज़्यादा ही बन गई, तो अब इसे बैठ के पहले आराम से चाय पी के आऊँगी और फिर उसके बाद वहीं पर मैंने सोचा, पहले तो मैं सोच रही थी कि चलो चाय पी के आती हूँ फिर करेले या वगैरह कुछ काम करती हूँ, फिर लगा कि नहीं लेट हो जाएगा तो मैं चाय के साथ साथ यहीं करेले भी ले आई और यहाँ पे ज़मीन में ही नीचे बैठ गई हूँ और करेलों को मैंने कट करना शुरू कर दिया है। तो मैं वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी कि मैं करेले कैसे बनाती हूँ। कई प्रोसेस से बनाती हूँ पर फिलहाल अभी नवरात्रे चल रहे हैं और साथ में पितृपक्ष भी होके गए हैं तो इस समय पे मैं लहसुन प्याज वगैरह घर में इस्तेमाल नहीं करती हूँ। तो इस समय मैं बिना प्याज लहसुन के करेले बनाऊंगी। मोस्टली टाइम प्याज मैं इसमें डालती हूँ जब बनाती हूँ, पर क्योंकि अभी बताया आपको नवरात्रि चल रहे हैं तो उसको मैं अवॉइड करूँगी। तो यहाँ पे क्या मैं करूँगी प्रोसेस आपको थोड़ी देर में दिखाती हूँ। उससे पहले चलिए एक चीज़ और आपके साथ शेयर कर लेते हैं। यहाँ बेडरूम में ज़मीन पर हर्षिता ने पूरा रूम फैला रखा है और वो अपने स्कूल के कुछ काम कर रही है। तो एक बंदर है जिसके ऊपर वो पेंट कर रही है। फिलहाल ये बंदर बनाया इसने नहीं है, स्केच इसके दूसरे फ्रेंड ने किया है और कलर ये कर रही है। लास्ट टाइम मैंने आपके साथ शेयर किया था जो इसने हिरन बनाया था वो इसने खुद ही पेंसिल से स्केच भी खुद ही बनाया था और कलर भी किया था, पर इस बार सिर्फ कलर कर रही है। दिखाओ अर्षिता थोड़ा हाथ हटाओ। सो ब्यूटीफुल। तो चलिए मैं तो वापस किचन में चलती हूँ, मेरी बेटी अपने काम में लगी है और मैं अपने काम में लग जाती हूँ। तो करेले बनाने के लिए मोस्टली टाइम हम क्या करते हैं, जब हम सुबह या दिन में उसे बनाते हैं तो काफ़ी देर तक हम उसे धूप में रख देते हैं ताकि उसका थोड़ा कड़वापन कम हो जाए, नमक डाल के धूप में रख देते हैं। बट अगर जैसे आप मेरी तरह कभी शाम में बना रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं, नमक डाल के इसको आधे पौने घंटे के लिए छोड़ दीजिए, मोस्टली इसका कड़वापन चला जाता है। और वैसे भी मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगी कि अगर करेले में कड़वापन होगा ही नहीं तो फिर उसे करेला कहेगा कौन। तो थोड़ा सा कड़वा ही हो पर ये खाने में काफ़ी हेल्दी होता है तो इसे खाना चाहिए। तो यहाँ पर जितना अच्छे से हो सकता है मैं इसे धोऊंगी। पहले मैंने जिस कढ़ाई में नमक डाल के रखा था ना उसी में मैं इसे धो रही थी, पर फिर मैंने देखा कि ढंग से पानी उसमें निकल नहीं पा रहा है तो मैंने उसको दूसरी टोकरी में कन्वर्ट करके एकदम बढ़िया से उसको धो लिया है। और चलिए अब फटाफट से करेले बनाने शुरू करती हूँ। तो मैंने कढ़ाई चढ़ा ली है, उसमें थोड़ा सा डाल लिया है तेल। तेल के गर्म होते ही थोड़ा सा उसमें डाल दिया जीरा और जितने भी करेले मैंने साफ़ करके धो के काट के रखे थे वो सारे करेले अब मैं इसके अंदर डाल दूंगी। और इसके साथ ही मैं यहाँ पे नमक तुरंत ही डाल दूंगी क्योंकि नमक जब हम डाल देते हैं तो उससे सब्जी बनाने का जो प्रोसेस होता है, कुकिंग प्रोसेस, वो काफ़ी ईजी हो जाता है, फास्ट हो जाता है। तो करेले के साथ ये नमक डालने के बाद मैं एक मसाला यहाँ पे ऐड करूँगी जो कि होता है भरवा मसाला, जो मैं घर में ही बनाती हूँ, ये मेरा मार्केट से ख़रीदा हुआ नहीं है। मुझे ऐसा याद आ रहा है शायद मैंने किसी वीडियो में आपके साथ शायद ये शेयर किया होगा, अगर नहीं किया होगा तो मैं कभी ना कभी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। इस मसाले से सब्जियों का टेस्ट काफ़ी अच्छा आ जाता है और जैसे हम प्याज यहाँ पे यूज़ नहीं कर रहे हैं तो ये उसकी कमी को हमें फील नहीं होने देता है। तो यहाँ पे एंड में मैं थोड़ा सा आमचूर मसाला, हल्दी और लाल मिर्च भी ऐड करके सब्जी को थोड़ी देर पका लूँगी और बस ये करेले की एकदम टेस्टी वाली सब्जी बनकर तैयार है।